As a token of love and appreciation, this is a reason to felicitate you, ma'am. May I now request madam to take her time to deliver us a thoughtful wisdom. Namaskar. इतनी सारी महिलाओं को देखकर मैं बहुत खुश हो रही हूँ आज, और मुझे पूरा यकीन है त्रिपुरा और त्रिपुरासा की जो मांग है आप महिलाएं ही पूरा करेंगी। महाराजा जी के साथ मेरे संबंध पुराने हैं और मुझे पता है महाराज जो आपके हैं सही मायने में सिर्फ महाराज सोच से नहीं है, महाराज जनता की लड़ाई करने के लिए आपके साथ सबसे आगे खड़े हैं और बदलाव लाएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। मैं शिवसेना पार्टी से आती हूँ, ये वो पार्टी है जो महाराष्ट्र की कर्म भूमि से ज्यादा जो जन्मभूमि है, जो वहां से जुड़े मराठा लोग हैं, मराठी लोग हैं, उनकी लड़ाई लड़ती आई है और मैं आपकी लड़ाई पूरी पूरी तरीके से समझ रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सरकार और जिस सरकार को आपने जिम्मेदारी दी है, जो आप लोगों के हित के खिलाफ काम कर रही है, उस सरकार का अहंकार आप खत्म करेंगी। आप अपनी वहां की महिलाओं को बोलेंगी कि अगर त्रिपुरासा की लड़ाई लड़नी है आप सबको हमारे पीछे खड़ा होना होगा। आप लोग आगे बढ़े, हमारा पूरा समर्थन आपके साथ है। आज त्रिपुरासा के जो लोग हैं सिर्फ 30% मुझे आज मजदूर जी बता रहे थे, 30% जगह आपकी, कर्मभूमि आपकी, जन्मभूमि आपकी, नेचुरल रिसोर्सेज आपके, पर उस पर आपका अधिकार नहीं होगा। ऐसे कैसे चल सकता है? आप लोग इतना बड़ी जर्नी कायम कर यहाँ पर आए हैं, मैं आप समझ सकती हूँ कि आपकी ये लड़ाई दिल की है, आपकी ये लड़ाई आपकी भूमि की है, ये लड़ाई आपकी सारी जो सुविधाएं से आपको वंचित किया जा रहा है उसकी है, और मेरा समर्थन आपके साथ पूरा और पूरा है। और मैं किसी भी तरीके से आप सब लोगों की मदद कर पाऊं, मैं हमेशा मेरी पार्टी की तरफ से हमारी पार्टी उसके लिए तत्पर रहेगी। और मैं उम्मीद करती हूं हमारी सारी बहनें जो अपना घर छोड़कर आज दिल्ली आई हैं, आपने अपनी जगह का और अपनी मांगों की आवाज बुलंद कर रही हैं, वो आवाज उस अहंकारी सरकार को जाएगी, केंद्र सरकार को जाएगी, और जो आपकी मांगे हैं वो पूरी करने पे आप लोग मजबूर करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मैं आपको एक और चीज बता दूं, कल मुझे पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड क्यों किया गया है? क्योंकि वो कहते हैं कि आप जनता की आवाज जोर जोर से उठाते हैं। तो मैं यहां पर पूछना चाहती हूं, और इसलिए मैं आप महिलाओं के बीच में पूछना चाहती हूँ, आज अगर एक महिला जनता की आवाज उठाती है, अपने अपने राज्य की आवाज उठाती है, अपने लोगों की आवाज उठाती है, क्या वो गलत है? क्या किसी तरीके से उनका सस्पेंशन होना चाहिए? तो मैं आपको एक ही चीज कहने आई हूँ कि भले ही मैं पार्लियामेंट के बाहर सस्पेंड की गई हूँ, पर मेरी आवाज आप लोगों के लिए बुलंद रहेगी, मेरे महाराष्ट्र के लिए बुलंद रहेगी, मेरे देश के लिए बुलंद रहेगी, और पूरी उम्मीद है कि हम सब महिलाएं मिलकर इस सरकार को मजबूर करेंगी कि जो प्रजातंत्र के उसूल हैं, जो हमारी त्रिपुरा वासियों की मांग है, उस मांगों को पूरी पूरी तरीके से पूरा करेंगे और जल्द से जल्द पूरा करेंगे। आप महाराजा के साथ, वो महाराजा सिर्फ दिमाग से ही नहीं, टाइटल से ही नहीं, वो दिल से हैं, आपकी प्रजा के साथ हैं, और वो उनको सशक्त आप कर सकती हैं इस प्रजातंत्र में,
और मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ से जब आप जाएंगे आप उनका पूरा समर्थन देंगे, उनका समर्थन बढ़ाएंगे और ऐसी सरकार जो आप लोगों के लिए काम करेगी उनको जिता कर लाएंगे। और अभी मेरी मांग बस यही है कि जो हमारी त्रिप्रासा वासियों की है, त्रिप्रासा के लिए है, वही मांग हमारी भी है। जय त्रिपुरा, जय त्रिप्रासा, जय हिंद। थैंक यू।